Should not be, should not come from the CEO, that is the principal. अगर principal से आता है, CEO से आता है, तो जो करने वाले हैं, क्योंकि the principal is not alone the doer. He is to get the work done. तो जो करने वाले हैं, उनको ये लगेगा कि हमारे ऊपर बाहर से आई है ये चीज. पर जब उन्हीं के अंदर से हम निकाल लेते हैं, तो काम अच्छे तरीके से होगा. Normally क्या करते हैं हम? टीचर्स तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को और पेरेंट्स को कई बार इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं हमारे विजन के अंदर. तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, तो बच्चों को ये लगे कि ये काम जो हो रहा है, ये जो विजन हमने सब ने डिसाइड किया है, ये मेरा है. पेरेंट्स को लगे कि ये स्कूल अगर ग्रो कर रहा है, इस विजन को लेकर के चल रहा है, तो ये मेरा है. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड विजन. ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पॉलिसी के ऊपर उंगली करते हैं, फिंगर आउट करते हैं कि ये लोग एसी में बैठ करके और पॉलिसी बना देते हैं, इनको क्या पता फील्ड में होता क्या. तो विजन जो है वो एक बाउंड्री में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी आउट ऑफ द वॉल एंड फ्रॉम द हार्ट्स एंड माइंड्स. समाज की आवश्यकताओं को लेकर, तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बाइबल में ये लिखा है, हमारे गीता में ये लिखा है, हमारे धम्म पद में ये लिखा है. विजन होना चाहिए आज क्या चाहिए, आज सोसाइटी की आवश्यकता क्या है. एक स्कूल है वो बेसिकली सोसाइटी बिल्डिंग में हेल्प करती है. उसको क्या चाहिए आज वर्तमान में, उसकी आवश्यकता क्या है. इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को जो स्कूल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इवन यस्टरडे एज